Here we begin the first chapter of another book, namely Honeydew. The best Christmas present in the world. Christmas पर दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन तोहफा. Present means here a gift, not the present tense. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event. A war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? Look carefully these dates and days and guess the relation between these days and dates and the events. This chapter starts with the word I spotted in a junk shop. In Bridport. Here is a narrator who is going to tell the story about himself, that he went to a junk shop, एक कबाड़ की दुकान पर जाना हुआ. नरेटर का वो जगह जहाँ पर पुराना सामान ख़रीदा और बेचा जाता है. In Bridport, a roll top desk, एक डेस्क मेज़ जिसका ऊपरी हिस्सा रोल टॉप था, थोड़ा सा झुका हुआ, स्लॉप लिए हुए. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century. और ये बताया गया कि ये डेस्क 19th century के शुरुआती दिनों की है. एन ओक, एक पर्टिकुलर ट्री है, उस ट्री के वुड से बनी हुई डेस्क है. एंड आई हैड वांटेड वन, और ये मेज़ देखने के बाद मैंने कहा कि मुझे इस तरह की एक मेज़ चाहिए. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन इस तरह की मेज़ जो इस तरह की जो मेज़ें हैं, सॉरी, जो इस तरह की मेज़ें हैं, टेबल्स हैं, डेस्क हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा महंगी होने की वजह से. दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन. और ये एक मेज़ पर्टिकुलरली जो दिखाई गई, ये कुछ अच्छी हालत में नहीं थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लैक क्लमसीली बैंडेड, उसकी जो ऊपरी सतह थी वो भी अच्छी नहीं थी, और जिसका एक लेग था, एक पाया, वो भी उसको ठीक किया हुआ था, रिपेयर किया हुआ था, मजबूत या स्ट्रॉन्ग नहीं था. स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ तो बहुत सारे मार्क्स बने हुए थे. इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत चीप हो गई थी इन सारे नक्स की वजह से. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मुझे लगा कि मैं इन सारी कमियों को दूर कर सकता हूँ. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. भले ही ये सारी खामियाँ हो उसमें हो, लेकिन मुझे फिर भी एनी कॉस्ट आई वांट दिस मेज, आई वांट दिस टेबल, आई वांट दिस डेस्क. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माय वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस की शाम को मैंने उस पर मेहनत करना शुरू की. उसको अपने घर लाने के बाद आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, उसकी ऊपरी जो सतह थी, सरफेस थी, उसको हटाया, उसमें लगे हुए ड्रॉवर्स को भी रिमूव किया. द वेनियर हैड लिफ्टेड, वेनियर इज़ अ वेरी थिन कोटिंग ऑफ प्लास्टिक, यू कैन से लेमिनेशन, हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और तकरीबन हर सब जगह से उसकी जो प्लास्टिक कवरिंग कोटिंग थी वो हट चुकी थी. वनियर अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड और फर्नीचर ऑफ चीप वुड, उसको सजाने के लिए लगाया गया जो भी सब मटीरियल है वो वनियर कहलाता है.
इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लगा कि मुझ पर बाढ़ आ गई हो जब इन परेशानियों का सामना किया। बॉस फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। बॉस फायर एंड वाटर, उस पर आग का भी कुछ इफेक्ट था, कुछ जलने के निशान भी थे, पानी से भीगने के भी उसमें कुछ इफेक्ट्स देखे जा सकते थे। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, लेकिन उनके उस टेबल उस डेस्क के जो ड्रावर्स थे उनमें से एक लास्ट जो ड्रावर था वो बहुत टाइटली बंद किया गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज इट आउट जेंटली, मैंने उसको जेंटली निकालने की बहुत कोशिश की। इन द लास्ट इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, यानी बहुत बेरहमी से आखिरकार बहुत ज़्यादा जोर लगाकर ताकत लगा के मुझे उसको निकालना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड ड्रॉवर फ्लू ओपन, और मैंने ज़ोर से मुक्का सा बना के उस पर पंच किया। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस, और वो झटके से खुल गया और उसके अंदर क्या था, एक बॉक्स, अ शैलो स्पेस, अ सीक्रेट ड्रॉवर, उसके अंदर एक और छोटा ड्रॉवर था, सीक्रेट ड्रॉवर। देयर वॉज समथिंग इन देयर, कुछ रखा हुआ था उसमें। आई रीच्ड इन द टुक आउट एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट, टू द टॉप of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting। उस बॉक्स को निकालने के बाद, उस बॉक्स उस ड्रावर को निकालने के बाद उसमें एक टिन बॉक्स मौसूल हुआ हासिल हुआ, और उसके अंदर भी एक लाइन पेज पर कुछ लिखा हुआ था शेकी हैंडराइटिंग में, यानी बहुत कपकपाती हुई कमज़ोर सी हैंडराइटिंग में, ऐसा लग रहा हो किसी ने बहुत या तो बहुत आखिरी दिनों में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कुछ लिखा हो, या जिसको बहुत कम लिखना पढ़ना आता हो उसने लिखा हो। जिम्स लास्ट लेटर, अब ये श्योर हो गया कि ये किसी आदमी के जिसने लास्ट टाइम ये लिखा होगा, बिकॉज ही वॉज़ वेरी ओल्ड। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915, ये एक लेटर था जो जिम से हासिल हुआ था 25th of January 1915 को, टू बी बरीड विद मी, और ये लिखा गया था कि ये लेटर मेरे साथ ही दफना दिया जाए। टू बी बरीड, बरी मीन्स दफनाना किसी को, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बॉक्स को खोलना रॉन्ग, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू डू दिस, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपलेस, इट यूजली डज। और मैं घबरा रहा था, मेरे जो अंतरात्मा है, इनर सेंस है, वो कह रहे थे कि मैं कुछ इमोरल टास्क करने जा रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई, और मैंने ये इसको इस काम को अंजाम दे दिया। इन साइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, उसके अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, एड्रेस लिखा था मिसिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस लेटर को निकाला और उसको अनफोल्ड किया, खोला, ओपन किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। अभी तक हमने ये जाना है कि एक लेटर मिला है उस डॉर में जो कि सीक्रेट टिन बॉक्स में था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हियर इज़ द मैन, द नरेटर, ही इज़ ट्राइंग टू, ही हैज़ ओपन्ड द डॉर एक्चुअली एंड ही हैज़ फाउंड अ टिन बॉक्स, यू कैन सी, एंड देयर इज़ अ लेटर इनसाइड द बॉक्स, एंड देयर इज़ अ पेज यू कैन सी ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स, एंड देयर इज़ अ रिटन I received this letter, Jim's last letter received on the so-so date, and it is to be buried with me when the time comes. ये किसी का बहुत ही पुराना लेटर है जो कि 19th
सेंचुरी की बात है और ये हिस्टोरिकल स्टोरी होने जा रही है, जो कि हम इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में जानेंगे।